इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। क्या बात है प्रीत अरोड़ा, बड़ा ध्यान दिया जा रहा अपने आप पर। आमिर ने पहली बार देखा अपने को लेकर तुम थोड़ी सी कंसर्न हो, अपने लुक को लेकर परेशान सी हो। समथिंग स्पेशल? नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। ओह रियली? मैंने अभी भी देखा बाहर से, अपने बालों को संवार रही थी, काजल सही कर रही थी। किसी स्पेशल के लिए क्या? वैसे एक बार बता दूँ, तुम जब मुझे कह रही थी ना, जब मैं अपनी कॉस्ट्यूम ट्राई कर रहा था कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, तुम्हें देख कर लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो तुम भी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। ओह माय गॉड, तुम, मैं तुम्हारे जैसे नहीं। तुम अपने आप को मिरर में देखते हो तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो। तुम जैसा हैंडसम कोई नहीं है, मतलब वो सेल्फ प्रेज के ट्रिप पर चले जाते हो। मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मैं नॉर्मली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और ठीक है ना, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, लड़कियों को थोड़ा बहुत सजने सवरने का शौक तो होता ही है। हाँ, I know, पर मुझे एक बात और पता है, लड़कियाँ ये सब ना लड़कों को दिखाने के लिए करती हैं, ये सजना सवरना। तुम किसके लिए कर रही हो? मेरे कहने का मतलब है, देखो प्रीतम, ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुमसे ना कुछ इंपॉर्टेंट कहना है, समथिंग इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करो, क्योंकि कोई भी लड़का तुम्हें देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई नहीं देख रहा तुम्हें। ओके प्लीज, मैं वैसे भी लड़कों के लिए तैयार नहीं होती हूँ, मुझे तो सजने सफरने का तो शौक भी नहीं है। आई लाइक इट। वो क्या है ना, जब बंदे को पता है कि वो अच्छा नहीं दिखता या अच्छा नहीं लगेगा तो वही कह देती है, ये कह देता है कि मुझे सबको शौक ही नहीं है। हाउ मीन करण लूथरा, मुझे ना तुमसे ये फालतू बातें ही नहीं करनी, मैं चाह रही हूँ। तुम्हें मुझसे बातें करना क्यों पसंद होगा? राइट, तुम्हें तो वो दाढ़ी वाला बकरा पसंद है, उसकी बातें भी पसंद होंगी। वैसे करेक्ट है, वो दाढ़ी वाला बकरा ही तुम्हें पसंद कर सकता है, क्योंकि मुझ जैसे हैंडसम लड़के के लिए तो बहुत सिंपल हुआ। करण लूथरा को ज्यादा तो नहीं छेड़ दिया, पर ठीक है यार, जब भी सामने आती है ना इसको छेड़ने का मन करता है, गुस्से में कैसे टमाटर की तरह लाल हो जाती है। बचा लो मुझे, I'm sorry, बचा लो। तू यहाँ डरपोक की तरह मुंह चबाकर बैठे हो? मैं तो पहले ही समझ गई थी कि इस चुन्नी के नीचे तुम हो। और तुम मुझे अकेला छोड़कर आ गए उस फैंची के साथ झगड़ने के लिए? अरे आदमी हो के क्या हो? हूँ तो आदमी, लेकिन उसका क्या करूँ जिसके अंदर माता आई थी। और जब किसी औरत के अंदर माता आती है ना, बड़े से बड़े विलन को भी चूहिया बने, चूहा बनना पड़ता है। जस्ट शट अप, उसने मेरा चेहरा देख लिया, वो तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी, फिर भी तुम मुंह छुपाकर वहां से भाग रहे थे। उसने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की कि मुझे आकर बचाओ। जो भी है, उसने सही कहा, तुम एक नंबर के टफ्फू हो। यू शट अप नाउ।